Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So with continuation to our previous lecture, ye lecture jo hamara based hai, this is from chapter Laws of Motion. And the topic which we are discussing today is Newton's third law of motion and principle of conservation of linear momentum. जो हमारा पिछला लेक्चर गया है इस चैप्टर का जो हमारा लॉज ऑफ मोशन था उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जिसमें हमारे कुछ लॉज थे दैट वर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं वो कुछ ऐसा कहता था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट दैट वॉज लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया किसी बॉडी के मास की प्रॉपर्टी होती है सो हैवियर द मास हैवियर इज योर इनर्शिया फिर हमने बात की एक इंपॉर्टेंट टर्म की दैट वाज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हिच विल गिव यू लीनियर मोमेंटम देन आफ्टर दैट द लास्ट सेगमेंट व्हिच वी कवर्ड वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें हमने बात की कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है F is equal to delta P over delta T that is rate of change of linear momentum और F is equal to ma mass into acceleration फिर हमने उन्हीं टॉपिक्स को सवालों के जरिए हमने उनको कवर किया था सो आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा और उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं टुडे वी विल टेक अप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आइए पहले बात करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था तो मैं इसमें आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो मेन पॉइंट्स हैं पहली चीज ये लॉ तभी एप्लीकेबल है व्हेन सिस्टम इज बैलेंस्ड नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड मतलब कि उस पर लगने वाला आपका नेट फोर्स जीरो है तो मैं आपको कुछ यहां पे एग्जांपल देता हूं सपोज ये ग्राउंड है आपका और ये ब्लॉक है अब इस ब्लॉक का वेट क्या होगा इट विल एक्ट डाउनवर्ड्स लेकिन सिस्टम रेस्ट पे है मतलब नेट फोर्स जीरो है तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन तो एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एमजी बन जाएगा मान लीजिए ब्लॉक है ये इसको मैंने यहाँ पे एक थ्रेड से हैंग किया हुआ है या मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये एक थ्रेड से हैंग कर रहा है तो इस ब्लॉक का वेट क्या होगा mg नीचे एक्ट करेगा लेकिन सिस्टम रेस्ट पे है तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स होगा जो ऊपर एक्ट करेगा सो टेंशन विल बी इक्वल टू mg तो दोनों केस में यहां पे क्या हो रहा है दोनों केस में जो आपका वेट है मतलब अगर मैं यहां पे ग्राउंड हटा दूं ब्लॉक भागेगा नीचे थ्रेड काट दूं ब्लॉक भागेगा नीचे मतलब यहां पे वेट मेरा एक एक्शन फोर्स है और सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो क्या है उस एक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे एक रिएक्शन फोर्स है तो इसीलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देखो यहां पे एक्शन नीचे है रिएक्शन ऊपर है मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है यहां पे सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और सबसे मेन चीज आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी और टू डिफरेंट बॉडीज देखिए यहां पे वेट जो है वो ग्राउंड पे एक्ट करता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ब्लॉक पे ऊपर एक्ट करता है दैट मींस इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछ लेगा स्टेटमेंट दे दिया पूछेगा ट्रू और फॉल्स तो अगर कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडीज गलत है दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज तो ये आपका लॉ ऑफ मोशन का एक बेसिक सा फंडा था ये इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है आपका ये जो भी न्यूमेरिकल है इसके अंदर दैट इज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
ये क्या होता है कि अगर भाई अप्लाइड फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर चेंज ऑफ टाइम, अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो डेल्टा पी क्या बन जाएगा, जीरो। अगर मोमेंटम का चेंज जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका। दैट मींस अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला आपका नेट फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व और कांस्टेंट। मतलब अगर सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट फॉर लीनियर मोमेंटम टू रिमेन कंजर्व द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम शुड बी जीरो। तो आइए इसमें हम लोग कुछ सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहला सवाल कुछ ऐसा दिया है आपको, हम सवाल आसान से उठाते हैं। कहता है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ 4 kg गन विच शूट्स 0.05 kg बुलेट विथ अ स्पीड ऑफ 280 meters per second। तो यहां पे क्या है, एक बुलेट में आपकी सॉरी एक गन में आपकी बुलेट है और शुरू में दोनों रेस्ट में है, और जब फायर करोगे तो जो भी बुलेट बाहर निकलती है वो ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म होता है आपका। मतलब यू कैन राइट कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, एक बुलेट है और एक गन है, या हाँ गन है यहां पे। तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो MBUB इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस MGUG इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू MBVB फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, MGVG फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। तो शुरू में आपकी बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, फिर हमने दोनों को फायर किया तो बुलेट का मास क्या दिया हुआ है, 0.05। बुलेट की स्पीड क्या है, 280 प्लस गन का मास 4 है और गन की स्पीड हमको पता नहीं, हमको निकालनी है। 0 इज इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 280 इंटू 5 गिव यू 0 4 10 1400, और दो जीरो है तो बन जाएगा आपका 14 प्लस 4 VG। इसको यहां पे मैं रब कर दूं आपके लिए, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगी 4 VG प्लस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब 4 VG इज इक्वल टू -14। तो VG क्या बन गया, -14/4, इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस हाउ मच, इसको डिवाइड करो आपका ये वैल्यू आ जाएगा आपका -3.5 meters per second। मतलब क्या है, फायरिंग के बाद अगर आपकी बुलेट राइट में जा रही है 280 मीटर पर सेकंड से, तो जो आपकी गन है दैट गन विल मूव बैकवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 3.5 meters per second, क्योंकि यहां पे देखो नेगेटिव आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो बुलेट के जस्ट ऑपोजिट है, तो अगर बुलेट राइट में जा रही है तो गन लेफ्ट में है, या अगर बुलेट लेफ्ट में है तो गन आपकी राइट में है, क्योंकि यहां पे क्या है आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, तो जो मोमेंटम इसका होगा वही मोमेंटम इसका होगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट है, ऐड करने पे जीरो आएगा क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में हमको डायरेक्शन भी लेके चलना पड़ता है वहां पे हमको। तो इसको कहते हैं रिकॉइल। रिकॉइल क्यों, क्योंकि जब आपने गन फायर किया तो आप कभी आपने देखा होगा वो गन पीछे आती है, क्यों, टू कंजर्व मोमेंटम। अगला सवाल देते हैं इस टॉपिक का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। सवाल कुछ ऐसा कहता है आपको कि, तो सवाल कुछ ऐसा दिया है आपको यहां पे, इसने कंडीशन दिया है कि
दो मासेस हैं, एक आपकी 100 ग्राम की बॉल है, एक आपकी 200 ग्राम की बॉल है। इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। एंड ये तो आपका कंडीशन बिफोर कोलिजन है आपका ये, और कहता है आफ्टर कोलिजन दोनों आए, टकराए, और क्योंकि पीछे की स्पीड ज्यादा है आगे कम है, तो ये आएगा, इससे टकराएगा और टकरा के ये फिर सेपरेट जाएंगे। या तो देखा होगा, जब आप कभी आपने स्नूकर खेलते हो देखा होगा, या 8-ball pool आपने अपने ऐप पे खेला होगा, आपने जो 8-ball pool आता है, जब आप हिट करते हो तो वो वाइट बॉल जाती है, उसको हिट करती है, तो हिट करने में क्या है, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे बोथ सेपरेट विद डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज। तो कहता है आफ्टर कोलिजन जो आपकी 100 ग्राम की बॉल है उसकी स्पीड जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड, तो पूछता है कि इस 200 ग्राम वाले की स्पीड क्या होगी। फिर वही करना है, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल आपका जीरो है, तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ध्यान रहे हमेशा मोमेंटम जो हम कंजर्व करते हैं वो सिस्टम का करते हैं। यहां पे ये सिस्टम, ये दो बॉडी मिलके बना रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इसका मोमेंटम कंजर्व है अलग अलग बॉडीज का, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 200, यहां मल्टीप्लाई करो 167। तो सिस्टम में जो इंडिविजुअल बॉडीज है उनका मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं रहता है, उस सिस्टम का ओवरऑल नंबर कंजर्व रहता है। मतलब कोलिजन से पहले इन दोनों का मोमेंटम ऐड करो, वही आएगा जो इन दोनों मोमेंटम कोलिजन के बाद आएगा आपका। सो यू कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना दिया, 100 ग्राम। अच्छा देखिए, चारों टर्म में m है तो हमको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चारों में जो कॉमन फैक्टर है कन्वर्जन का वो सेम है, तो हमें यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्ट करने की। तो m1 कितना है, 100, u1 कितना है, 2, m2 कितना है, 200, u2 है 1, सॉरी u2 is 1। सिंस दोनों वेलोसिटीज आपके राइट में है तो मैंने यहां पे दोनों की वैल्यूज को पॉजिटिव लिया है। हो सकता है एग्जाम में सवाल में ये बोलते कि इधर जा रहा है, तब इसको आप लोगे -1। m1 कितना है, 100, v1 कितना है, 1.67, m2 कितना है, 200, v2 हमको निकालना है। तो ये कितना बन जाएगा, 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 167 प्लस 200 v2। 200 प्लस 200 इज 400 इज इक्वल टू 167 प्लस 200 v2। तो ये क्या बन जाएगा, 200 v2 इज इक्वल टू 400 माइनस 167। तो कितना आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, इट विल बिकम हाउ मच, 400 में से अगर हम 1 निकाल दें, 3963, दिस विल बी 233, दिस विल बिकम 233। और वी कैन राइट 200 v2 इज इक्वल टू 233, देयरफॉर v2 विल बिकम 233 बाय 200 मीटर पर सेकेंड। ये आपके बॉडी 2 की स्पीड आ गई आफ्टर कोलिजन, दैट इज 233 बाय 200। बाकी आप कैलकुलेटर यूज करके आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल में आप फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये दिया है कि एक बॉडी यहाँ पे, ये आपकी 1 kg की बॉडी है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरी बॉडी है 4 kg की, इसकी स्पीड यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है। कहता है कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में स्टिक कर गई, 1 kg और
4 kg. कहता है फाइंड द स्पीड आफ्टर कोलिजन, या ऐसे कह सकता है फाइंड द कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन. तो काम वही करना है. मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. क्या लिखोगे? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. सिंस आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड या वेलोसिटी सेम हो गई है, दैट मीन्स v1 और v2 सेम वैल्यू होगी. उसको हमने v मान लिया. एंड दिस v इज ऑल्सो नोन एज कॉमन वेलोसिटी. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v, या m1 प्लस m2 टाइम्स v. तो ये बन गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v. अब वैल्यू पुट करते हैं. m1 कितना दिया है? 1 kg, सो 1. u1 कितना है? u1 राइट में है तो प्लस 2 m/s. m2 कितना है? 4. u2 कितना है? 8 जा रहा है माइनस में, तो ये बन जाएगा -8. m1 प्लस m2 इंटू v, तो ये बन जाएगा 2 - 16 इज इक्वल टू 5 टाइम्स v, तो ये बन जाएगा -14 इज इक्वल टू 5v. तो v बन जाएगा -14/5 टाइम्स m/s, और 14/5 कितना बन जाएगा? 5 × 2 = 10, ये बन जाएगा 2.8 -2.8 m/s. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टिक कर गई हैं, उनकी कॉमन स्पीड क्या आ रही है? उनकी कॉमन स्पीड कुछ आ रही है -2.8 m/s. सो द कॉमन वेलोसिटी विच वी हैव ऑब्टेन्ड इज -2.8 m/s. तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 2.8. साइन क्या है? नेगेटिव. मतलब ये बॉडी आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज लेफ्ट में जा रही हैं विद स्पीड ऑफ 2.8 m/s. तो इसीलिए जब क्वेश्चंस आप इन मोमेंटम के सॉल्व करिएगा, साइन का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे हम प्लस माइनस में हमसे गलती होती है, और अगर आप साइन में गड़बड़ी करोगे तो वो ऑप्शन भी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे ये गलतियां हो सकती हैं. सो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्लीज टू टेक साइन इनटू कंसीडरेशन, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या होते हैं वेक्टर? जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. हमारे सवालों में से बात होती है वन डायमेंशन की. सिंपल है, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव. दिमाग बैठा लिए, दाएं पॉजिटिव, बाएं नेगेटिव, खत्म. ये आपका साइन डायरेक्शन रहेगा आपका ये. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए, और खासकर अगर आप 9th में अपियर कर रहे हैं. हमसे कुछ बच्चे 9th के भी जुड़े हैं हमसे, तो ये टॉपिक आपके होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि इस पे आपके सवाल आपके होम एग्जामिनेशन में भी आएंगे. जो आपके अभी फाइनल एग्जाम या आपके एग्जाम चल रहे हो, तो उसमें भी ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी आपके एनटीएससी में अगले साल जो 9th वाले बच्चे हैं, ये आपके आएंगे ही आएंगे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे सवाल आपके हर साल आपके एनटीएससी में बनते ही बनते हैं आपके. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, एंड इन केस यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस, इन केस यू हैव एनी डाउट्स, और यू नीड टू हैव कन्वे एनी मैसेज टू अस, प्लीज डू राइट टू अस इन आवर कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो गो टू अवर सोशल मीडिया हैंडल, वो आप सबका आप नीचे लिंक मेंशन है. आप हमको वहाँ लाइक करें, आप हमने अपने रिव्यूज भेजें, एंड यू कैन राइट टू अस ऑन आवर ईमेल ऑल्सो. हम जितनी जल्दी हो सके हम आपके क्वेरीज को दूर करेंगे. बाकी इस वीडियो का आप शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड इन द एंड फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशंस. Thank you very much.